ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेड़ी जल महफिल आलावा खड़े यानी अगर आप बात करा ऊपर आप देखने लग रहे हो राम निवास अस्पताल खेड़ी चोपटा तबरवाला की साइड जावांगे तो उल्टा हथकाणी बिल्कुल चौड़ी गाल पहली है जो खेड़ी जल बना हुआ है उस गाल में करीब 2.5-3 किले चल गए अलग तो दिख जा बोर्ड लग रहा डॉक्टर राम निवास अस्पताल। और आज आने का जो मेन कारण अपना बताऊंगा यानी आपने ये पता है कि आज के टाइम में बीमारियां बिना ईसा घर नहीं बच रहे हो जिस घर में एक आदमी बीमार ना हो। लेकिन ट्रीटमेंट हर आदमी हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर अपने अपने अलग अलग तरीके तक रहे लेकिन उरे आयुर्वेदिक तरीके से यानी बीमारियों का उपचार कराया जावे है। कौन सी बीमारियों का आयुर्वेदिक उपचार है वो आपने डॉक्टर साहब सारी डिटेल देंगे अंदर है जी। डॉक्टर राम निवास जी हैं जो पूरी डिटेल देंगे ये दिखा दिए एक बार तो डॉक्टर राम निवास जी अपने साथ में बैठे पूरी जानकारी देंगे यानी किस चीज़ का आयुर्वेदिक इलाज करें क्योंकि कुछ स्पेशल चीज़ हो जाग रहे हैं जिन पर एक तजर्बा बन जाग रहा है कितने साल तक कर्म काम करने लग रहे हैं और बाकी एक बार इस पर जो लिख रखा है यानी डॉक्टर राम निवास BAMS। तो डॉक्टर साहब राम राम। राम राम सोनू दलाल भाई राम राम। एक बार पूरा परिचय दे दो। मैं डॉक्टर राम निवास खेड़ी चोपटा आयुर्वेदाचार्य BAMS। अच्छा कितने साल का तजर्बा है? तजर्बा तो 17-18 साल का दला ओ सोनू भाई। अच्छा जी। हाँ तो आप जो आयुर्वेदिक तरीके का इलाज की आप बात कर रहे थे तो मतलब कोई स्पेशल इसी बीमारी है जिनके ऊपर मतलब आपका रिजल्ट बढ़िया रहा हो? आयुर्वेद में तो देखो रिजल्ट हर एक चीज़ का है जो आप जिस चीज़ की भी दवाई दे वहाँ रिजल्ट हर एक चीज़ का है। बाकी खास है गेहूँ की एलर्जी है जो एक लाइलाज बीमारी वैसे देखा जाओ तो फिर भी अपने पास इसका प्रॉपर पक्का इलाज। इस तरीके तो हो मतलब गेहूँ की एलर्जी? गेहूँ की एलर्जी एक खासकर तो जन्म से ही हो जाए बच्चे का नहीं तो फिर लगभग 3 साल से लेकर 10 साल के जो बच्चा हो उसके ज़्यादा दिक्कत होने की। मतलब बच्चे का ज़्यादा दिक्कत? हाँ बच्चे का ज़्यादा दिक्कत होगा यार। लक्षण के इसके बेरा को कर लागे खून ना बनना बच्चे में भूख लगनी बंद हो जाएगी पेट फूलना शुरू हो जाएगा उसका बार बार दस्त लागने या फिर कब्ज हो जाएगी आजमा खराब हो जाएगा एक छोटी हाथ की बीमारी हो गई या तो ये लक्षण स्टार्ट हो जाए तो देख लो उसमें बच्चे का ये लक्षण हो तो कोई इसका टेस्ट भी होगा है टेस्ट करवा के पता लग जाए उसका ग्रोथ नहीं होगी बच्चे की जो आम ग्रोथ हो बच्चे की वो ग्रोथ नहीं बनेगी उसकी उस लेवल का जो बच्चा हुआ है उस हाण का जो बच्चा है वो बड़ा हो जाएगा वो छोटा ही रहेगा। तो मतलब इसका आयुर्वेदिक तरीका बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीका इसका बड़का कर ठीक हो ठीक तो काफ़ी हो लिए काफ़ी ठीक हो लिए बाकी 20 दिन के बाद आप बच्चे ने गेहूँ खुआन की बोल दिया हाँ भाई 20 दिन का ट्रीटमेंट दो कोई साइड इफेक्ट नहीं छः महीने का इसका इलाज चल रहा है। इलाज 6 महीने तो चला गेहूँ 20 दिन बिल्कुल इलाज 6 महीने चल रहा गेहूँ आप 20 दिन के बाद खुआ सका बच्चे ने। इसके अलावा और कौन सी बीमारी? एलर्जी टाइप में लेवा तो आप एक नज़ला हुआ है नज़ला भी एलर्जी है जिसमें धूल की एलर्जी होगी उसको लेडीज़ हैं जो आटा गूंथ उसकी भी एलर्जी है किसी फूल की एलर्जी हो जाए। अच्छा। हाँ किसी सेंट की एलर्जी हो जाए छींक आने लग जाएंगे बार बार उसकी कहिया के ही सुबह उठते 15-15, 20-20 इकट्ठी छींक आवे वो भी एक एलर्जी है उसने नज़ला बोलना आप नज़ला कई बार भीतर टपकन लग जाए कई बार बाहर आ जाए नाक बहनी शुरू हो जाए तो बाहर आ जाए अंदर वो दमा टाइप बन जाए है छाती ने घेर लेगा और दमा टाइप खें खें सांस बोलने लग जाए उसका वो भी एक एलर्जी है नज़ला है वो नाक का मांस बढ़ जाए है कई मरीजा देखा नाक का मांस बढ़ जाए नुकें इसका तो ऑपरेशन होगा कोई जरूरी को नहीं उसका ऑपरेशन होगा अपनी आयुर्वेदिक पद्धति तो उसकी ठीक करा हाँ उसमें कितने दिन उसका नज़ला का 2-3 महीने का इलाज चल रहा है प्रॉपर 2-3 आराम उसको एक हफ्ते के अंदर मतलब पूरा कोई छींक छाँक आना सारा बंद हो जाएगा। डॉक्टर साहब कई बार के बना है देखो कोई भी है डॉक्टर दावे तो सारे करते हैं क्योंकि न्यून कारण मिला एक देसी घास मिला अपनी मान डायन कोई नहीं बताता अपनी चीज़ ने झूठी कोई नहीं बताता लेकिन कई बार बने के है मरीज आवा है वो बाद में फिर नहीं भाई अब गए तो थे वह चीज़ पाई नहीं तो मतलब जो आप कह रहे हो बिल्कुल ही एग्जैक्ट है बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल बिल्कुल इसके 1% भी कोई कमी नहीं मिलेगी। हाँ जो कह दिया वो ये है नहीं है तो नहीं है जुबैन वाला दिन की बात बिल्कुल पत्थर की लकीर।